ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 के अंदर इस क्वेश्चन में कितने लोगों को डाउट है, कितनों ने ट्राई किया, ये हो गई है, कितनों को डाउट है इसमें ऑनलाइन? इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट? यस सर। 2 में अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये रहा पॉइंट चार्ज क्यू, ये रहा, ऑफ इनर रेडियस 2r एंड आउटर रेडियस 3r। तो एक कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टर है, मटेरियल भरा हुआ है, मोटा शेल है, और एक पॉइंट चार्ज को q को हमने इसके अंदर डाल दिया एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट चार्ज सेंटर पे नहीं है, थोड़ा r डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है। तो अगर ये q इसके अंदर कहीं भी चार्ज पड़ा हुआ है तो बाय इंडक्शन माइनस q, बाय इंडक्शन प्लस q जाएगा कंडक्टर में। अब सेंटर के ऊपर पॉइंट चार्ज v क्या लगाएगा, 1/4πε0Q/R। माइनस q क्या लगाएगा, इनर शेल के अंदर ये पॉइंट है तो अपने सरफेस जितना लगाएगा, अपने सरफेस पे क्या लगाता है, 1/4πε0Q/2R। और आखिरी शेल क्या लगाएगा, Q/3R, जितना उसकी सरफेस पे उतना ही उसके इनसाइड हो जाएगा। तो ऐड करके आंसर आ जाएगा। सर इसमें आपने इंडक्शन क्यों लगाई है, इसमें भी तो इसमें पोटेंशियल निकालना था। क्योंकि रेडियस डिफरेंट है इसमें, रेडियस डिफरेंट, और सबसे बड़ी बात अगर कोई पॉइंट बाहर होता तो इंडक्शन ना लगाता कोई फर्क ना पड़ता। पॉइंट अंदर है तो हर कोई पोटेंशियल अपने सरफेस जितना लगाएगा, और सरफेस पे जब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएगा तो रेडियस पुट करेगा और रेडियस डिफरेंट है तो आपस में कैंसिलेशन नहीं हो रही, देखो ना, कैंसिल नहीं हो रहा पोटेंशियल, देखो इसलिए लगानी पड़ेगी। यस सर। ठीक, नेक्स्ट। यस सर। क्वेश्चन हमने थर्ड किया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट? फोर्थ में यस सर। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज की, पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कैसे सीखी थी कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी हैं, जितना दूर जाओगे स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अगर T1 और T2 स्पेसिंग है तो T1 स्पेसिंग कम होगी, T2 स्पेसिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जाने में क्या होता है, स्पेसिंग बढ़ती रहती है। तो T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा। क्लियर है? तो सीधा आंसर है T1 less than T2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, ये पैसेज बिल्कुल, जितने भी पैसेजेस हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, सबको पता है, पुरानी बातें सुना रहा होता जो ऑलरेडी हमें पता है। मैंने भी संडे को टेस्ट दिया था, फ्लक्स का पैसेज बना के दिया, ये फ्लक्स अंदर ये होता है बाहर, कुछ नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल करोगे तो भी आंसर है, यही है। वो कह रहे हैं दो शेल्स हैं, इसमें दो शेल्स हैं और एक का रेडियस कैपिटल आर, एक का 2r है। अब वो कह रहा है कि अब इस केस में बाकी कुछ थ्योरी नहीं है, फॉर्मूला बता रहा है पोटेंशियल का क्या होता है, वो ऑलरेडी हमें पता है। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, तो ग्राफ कैसा लगेगा? तो मैं काम करता हूँ, सेंटर से बाहर की तरफ आता हूँ और पोटेंशियल देखता हूँ क्या है। अगर मैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल r पे हूँ जहाँ मर्जी, तो दोनों शेल्स अपने सरफेस जितना पोटेंशियल लगाएंगे। जैसे अगर मैं मान लो पॉइंट नंबर 1 पे हूँ, पॉइंट नंबर 1 पे क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल के अंदर है तो पोटेंशियल सरफेस जितना लगेगा 1/4πε0Q/R, और सेकेंड शेल के लिए भी फर्स्ट पॉइंट अंदर है तो 2Q/2R, तो V की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस केस में अगर मैं यहाँ लेता हूँ सेकेंड पॉइंट, तो अंदर वाले शेल की वजह से फॉर्मूला Q/r, पर बाहर वाला अपने सरफेस जितना ही लगाएगा 2Q/2R, ये हमने किया। और अगर मैं बिल्कुल ही बाहर आ जाता हूँ तो दोनों शेल्स क्या लगाएंगे, R-R-। तो मुझे ये समझ में आता है कि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कॉन्स्टेंट पोटेंशियल देगा। तो आप चेक करो, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी और ये भी दे रहा है। इसमें पोटेंशियल तीन रीजन में बनेंगे, पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये, तीसरा ये, तो तीन ग्राफ बनेंगे अलग अलग। ये ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो वैसे ही पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है जो कि है नहीं,
कैपिटल आर और टू आर के बीच में, कैपिटल आर और टू आर के बीच में पोटेंशियल स्मॉल आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल गलत है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पोटेंशियल दो जगह पे कॉन्स्टेंट नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर से अगर लेस देन स्मॉल आर है तो ही कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचे ये, क्योंकि पोटेंशियल तीन रीजन में अलग अलग आएगा, इसमें कॉन्स्टेंट और फिर इसमें अलग, इसमें अलग, तो बना ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डबल डैश, तो तीन रीजन में ग्राफ बनेगा, तो यही बनेगा और कोई बन नहीं सकता, वैसे भी इलिमिनेशन हो रही है इसमें। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ई का ग्राफ ड्रॉ करना है, ई का ग्राफ कितने लोग बना पाए थे इसमें, बन गया। ई के अंदर रीजन नंबर वन में ई बोलो क्या होगा दोनों शेल्स का, जीरो, तो यानी कि कैपिटल आर तक तो आंसर पक्का ही जीरो बनेगा। फिर रीजन नंबर टू में क्या होगा, ये तो लगाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर, पर ये नहीं लगाएगा, तो ये देखो ई की वैल्यू पहले रीजन में जीरो, दूसरे में पहला शेल लगाएगा, दूसरा ही लगाएगा, और तीसरे रीजन में जब बिल्कुल बाहर है तो दोनों लगाएंगे, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि ई जीरो ये समझ में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो इससे तो फैसला हो नहीं सकता। फिर ई सेकेंड रीजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी है, ये भी है, कुछ कुछ ये भी है, पर बहुत अच्छा नहीं ग्राफ क्योंकि नीचे की तरफ आएगा, और ये भी कुछ हद तक है, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर तीसरे रीजन में भी ई डैश इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डबल डैश स्क्वायर, तो ग्राफ फिर से ऐसा ही बनना है। देखो ये ग्राफ नहीं बनेगा, इसमें दो रीजन है, तीन रीजन होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल इलिमिनेट हो गया, खत्म है, इसको नहीं करना। अब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कह रहा है कि ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस समझते हो कि ई की वैल्यू फर्स्ट जो स्फेयर है जो खत्म करेगा रीजन, और आखिरी जो बाहर शुरू होगा टू आर पे, वो कॉन्टिन्यूस है, ए की वैल्यू है। जबकि ये ग्राफ कह रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ई की वैल्यू पहले कम हो जाएगी, फिर जैसे ही आप टू आर से आगे चले जाओगे तो ई की वैल्यू एकदम बढ़ेगी, फिर कम होगी। ये चेक करना पड़ेगा हमें, पहले हमें ई निकालने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे, तो कैपिटल आर पुट करेंगे तो ई का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये इसकी पीक वैल्यू है, इसके बाद ये डिक्रीज होगा, डन। फिर मैं टू आर पे इसमें वैल्यू पुट करूंगा, टू आर, जब टू आर पुट करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब ये जो आंसर है 3/4 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, 3/4 का मतलब 0.75, और यहां पर कोई नंबर नहीं है, ये वन है, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि 2R के ऊपर ये ग्राफ में 3/4 वैल्यू आ गई, काफी बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये ग्राफ फिर से अपनी वैल्यू शुरू करेगा और फिर से डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ग्राफ इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा और इसका बिल्कुल अलग बनेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है इसमें कुछ भी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये हो नहीं सकता। मैंने 3/4 वाली बात नहीं समझ आई, फिर से 3/4 वाली चीज समझ नहीं आई, नहीं समझा, दोबारा समझाऊं? सही, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि मतलब डिक्रीज हो, मतलब कंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा, वो नहीं समझ आ रहा। कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा, देखो ये समझ में आ गया ग्राफ, यस सही आ गया, अब थर्ड रीजन का ग्राफ बनाना है, अगर थर्ड यस रीजन का सर, ग्राफ बनाना है तो 2R पुट करना पड़ेगा थर्ड रीजन में, यस सर, तो जब मैंने इसको 2R 2R पुट किया तो सॉल्व करके ये टर्म आ गई, यस सर, 3/4 of दिस वैल्यू, यस सर, अब 3/4 वैल्यू कहाँ पे होगी, अगर ये वन वैल्यू है तो 3/4 25% डाउन होगी, यही बनेगी ना, यस सर, ये तो नहीं यस बनेगी ना, सर, इसलिए यहां से स्टार्ट नहीं, होगा, बस ये ओके रीजन। सर, यस सर, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10 इसी का पार्ट है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर और लेस देन 2R में ई की वैल्यू क्या है, वो तो कह रहे हैं ये कैपिटल आर है और ये 2R है, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, फर्स्ट शेल की क्या होगी, क्यू बाई आर स्क्वायर, सेकेंड शेल की होगी नहीं, इसको ये के पुट करता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं कहां पर, एक्स नॉट पे, क्यू चार्ज को प्लेस कर रहे हैं एक्स नॉट पे, 3x0 पे, 5x0 पे एंड सो ऑन, और माइनस क्यू को पुट कर रहे हैं 2x0 पे, 4x0 पे, ये माइनस आएगा,
फोर एक्स नॉट पे एंड सो ऑन। तो ऑड पे पुट कर रहे हैं क्यू नॉट क्यू नॉट, इवन पे पुट कर रहे हैं माइनस क्यू नॉट क्यू नॉट। आपको ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, सेकेंड का माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एक्स नॉट, थर्ड का क्यू बाई 3 एक्स नॉट, फोर्थ का माइनस क्यू बाई 4 एक्स नॉट एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ये कॉमन आ गया तो ये सीरीज बन गई। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैथ्स में नॉन मेडिकल में, मेडिकल में आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, पर फिर भी मैथ्स वाले लोग ये आपको सीरीज या तो करवा चुके होंगे या करवाएंगे। ये मैथ्स के अंदर सीरीज है, वन माइनस हाफ प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर की सीरीज जो है वो लॉग ऑफ टू की सीरीज है। लॉग टू को जब ओपन किया जाता है मैथ्स में तो ये नंबर्स आते हैं। तो ये याद ही कर सकते हो आप आज की डेट में, कुछ नहीं कर सकते। वैसे मेडिकल में आने का चांस तो नहीं है, नीट में एनसीईआरटी में आएगा नहीं। नॉन मेडिकल वाले वैसे ही सीरीज देके पहचान लेंगे, उनको मैथ्स के टीचर करवा देंगे, तो ऐसा कुछ इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट जो है, कितने लोगों को इसमें डाउट है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एनसीईआरटी में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट में भी आते हैं, मेंस में किस्मत अच्छी तो आते हैं। ठीक, वैसे वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी ज़्यादा देते हैं मेंस वाले, अगर आपने पेपर सॉल्व किए हो तो खूब देते हैं, वॉल्यूम में वॉल्यूम देते रहते हैं। हाँ जी, डाउट इसमें ये हो गया नहीं किया? नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 मेडिकल वालों के लिए बता देता हूँ। इन फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस 9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 1, 2, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो अगर मान लो कि क्यू 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 चार्ज है तो 1 वाला ये चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा? 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 1, क्यू बाई 2, क्यू बाई 4 इन्फिनिटी। क्यू कॉमन आ गया, क्यू की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 4 एंड सो ऑन। मैथ्स में इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती है? अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो रेशियो हाफ है, इसको इससे डिवाइड करो हाफ है, इसको इससे डिवाइड करोगे हाफ है। तो ऐसी सीरीज अगर इन्फिनिटी तक चलती है उसको इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। तो और सम का फॉर्मूला इनफाइनाइट का होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज और आर का मतलब कॉमन रेशियो। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1, 1 और कॉमन रेशियो क्या रही है? हाफ। इसको सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो नॉन मेडिकल वालों ने तो किया हुआ है, मेडिकल वाले नोट कर लें, ए अपॉन 1 माइनस आर इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है इसमें डाउट, आसान क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 16th। Yes, sir. टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 12 एंड 8 रिस्पेक्टिवली माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, वर्क डन टू ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पहले ये कितना पार्ट है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाई आर 10 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ पर है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर वर्क डन ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, नहीं गलत किया है ये। तो यहाँ पर मुझे 4 लेना, यहाँ पर मुझे 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले दो चार्जेस में डिस्टेंस कितना है? 10। अब 4 सेंटीमीटर पास आ गए तो ये कितना होगा? 6, तो ये 6 होगा। ये मुझे पता नहीं आंसर फिर क्या आ रहा है। तो पहले आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ ये हमने? 16 में डाउट 17 नहीं सर, 18 18 में टू स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड आर मीटर्स अपार्ट, इफ वन ऑफ द स्फीयर इज टेकन अराउंड द अदर वन सर्कुलर पाथ वर्क डन विल बी इक्वल टू। देखो जो सर्कुलर पाथ है उसमें अगर आप चार्ज को घुमाते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव हमने किया था, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को क्लोज लूप बनाते हो तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि वही पोटेंशियल पहले था, उसका जहां पर रखोगे वही पोटेंशियल बाद में भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही हो गया ना, तो वर्क डन 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक?